नमस्कार, मैं हूँ सुनीता मनोचार, सुनीता कुकिंग मेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन भेल। पहले हम पापड़ी बनाएंगे मैक्सिकन स्टाइल की, फिर उसके बाद उसकी भेल बनाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसके लिए मैंने हाफ कप मक्की का आटा लिया, हाफ कप नॉर्मल होल व्हीट जो हमारा आटा होता है वही लिया। तो हालांकि इसकी जगह लगता तो मैदा ही है, पर मैं आटे से काम कर रही हूँ, है ना। तो दोनों चीज़ें मैं छान लेती हूँ। मैदे से कोई भी चीज़ जरा अच्छी फिनिश में आती है, बहुत पतली रोटी बिल जाती है, आटे से ज़रा कम रोटी बिलती है। तो बस कोई बात नहीं, हम आटे से बनाएंगे, आटा हेल्दी वे है हमारा खाना खाने का। आटा छन गया, 1/4 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट मिला रही हूँ। 1/4 ही टीस्पून मैं इसमें ओरिगेनो मिला रही हूँ। अजवाइन भी मिला सकते हो, ओरिगेनो नहीं आपके पास तो। मिला के इसको हल्का सा बटर या ऑयल डालते हैं, 1 टीस्पून इसमें ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है। अब चाहो तो इसको आप मिल्क से आटा गूंथ लो, अदरवाइज गर्म पानी से, जो भी चीज़ आपको करनी हो दोनों कर सकते हो। तो मैंने गर्म पानी लिया है और आटा गूंथ रही हूँ, नरम नरम, ऐसा जो नॉर्मल लगे खाना बनाने में, बिल्कुल ढीला डालना नहीं चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं चाहिए, तो नॉर्मल आटा चाहिए। स्टिफ अगर मैं बनाऊंगी तो क्या होगा, आटा जब मैं उसको फ्राई करूंगी करके काम तो वो चेड़ेपन में आएगा, और अगर मैं नॉर्मल करूंगी तो वो सॉरी नरम करूंगी बहुत ज़्यादा, तो रोटी हमारी तल के भी बहुत जल्दी नरमी पकड़ लेगी, जल्दी से सोगी हो जाएगी। तो आटा आपको चाहिए ऐसा जो नॉर्मल है, बहुत ऐसा भी नहीं है लचकदार और बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है टाइट। तकरीबन 3/4 कप आटा में पानी लगा है मेरा। तो देखो अगर मैदे में बनाओगे तो पानी आगे पीछे होगा ही, पर अगर आटे में बनाओगे तो भी कोई भी कम पानी और कोई ज़्यादा लेती है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, आटा अपना नॉर्मल बनाना है। आटा बस अब मैं ढक के रखती हूँ 5-10 मिनट के लिए, तब तक हम सब्जी काट लेते हैं इसकी सारी, और फिर हम कढ़ाई रखते हैं आगे, रोटी तवा रखेंगे पहले फिर कढ़ाई, यहीं ढक के रख रही हूँ। मैंने सभी तैयार कर लिया, चकला बेलना तवा रख दिया गैस पे, गैस जलाती हूँ और इसके पेड़े बनाती हूँ। फिर गैस मैंने जला लिया, इसको एक बार आग फिर से ऐसे कर लो क्योंकि हमें अब बनानी है रोटी। पेड़े इसके कितने सारे बन सकते हैं मैं आपको अंदाज़ा दे देती हूँ, तकरीबन ये 7 रोटी बन जाएंगी इससे। मैंने क्या करना है, रोटी बनानी है, तलनी है, चिप्स बनाने हैं उसके। तो चिप्स बनाने के लिए रोटी आप थोड़ी पतली तो ज़रूर बेलोगे, लेकिन साइज़ आप बहुत बड़ा करने की कोशिश ना भी करो चलेगा। अगर आपको किसी वजह से ऐसे लग रहा है ना रखी हुई है रोटी, उसका क्या यूटिलाइज हो सकता है इसमें, हाँ बिल्कुल हो सकता है। रखी हुई रोटी को भी आप अगर मीडियम हीट ऑयल में बना लोगे, उसको फ्राई कर लोगे तो सेम काम करेगी। बस मैक्सिकन है तो मैंने इसमें मैं वो ले लिया, मक्की का आटा ले लिया, अदरवाइज नॉर्मल रोटी भी अगर आपके घर में रखी है ना तो आप उससे भी काम आराम से कर लोगे, एक रेसिपी आपके घर बैठे बैठे ऐसी तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको तवे पे रख रही हूँ, तवे पे मैंने रोटी रखी है, हल्के हल्के दोनों तरफ से मार्क आ जाएंगे जैसे, बस ऐसे इसको मैं उतार लूंगी। तो वो ये रोटी जैसे मैंने रखी हुई है, एक बार इसको पलटते हैं। इस टाइम पे तो हम हमेशा रोटी पलटते हैं जब ऊपर ड्राई होता, बस वही प्रोसीजर है फिलहाल। ऐसे हल्की फुल्की देखो मार्क आ गए ना, इतना ही सेकना है इसको बस। अब मैं इसको उतार लेती हूँ, बस ये रोटी उतर जाएगी ऐसे। बस ऐसे एक आध रोटी और मैं बना के रख लेती हूँ, फिर कढ़ाई रखती हूँ। तो इस रेसिपी के लिए मुझे इस टाइम 3 रोटी की जरूरत है, वो मैंने ली है, इनको मैं काट लेती हूँ। चिप्स थोड़े बड़े छोटे जैसे आप चाहो काट सकते हो, पर नॉर्मल साइज रहे जो खाया जाए आराम से भेल में, जैसे छोटी छोटी पापड़ी का रहता है ना ऐसे। चार के बाद एक डिवीजन और ऐसे। ये तो हो गए रेडी कट के, कढ़ाई रख रही हूँ। मार्केट में वो मिलते हैं ना मैड एंगल ट्रायंगल, इसको एक किसी भी डिप के साथ खा लो, बढ़िया स्नैक है, हल्का फुल्का। और अगर जैसे मैं भेल की तरह बता रही हूँ ना, उसको तो आप चाहे शाम का स्नैक पूरा ले लो, पूरा लंच ले लो, पूरा डिनर ले लो, सारा हो जाएगा उससे। कुछ रोटी सब्जी मत बनाओ, ये पूरा का पूरा बाउल ले लिया था सब हो गया।
ऑयल गर्म हो गया, नॉर्मल मतलब लो से मीडियम हीट पे जाएंगे, तेज हीट नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर इसमें चढ़ापन या जलने वाले जो चीजें होती है वो तभी होती है, मीडियम में सब ठीक। इसको भी जैसे नॉर्मल टू मैंने बोला ना लो टू मीडियम हीट में गर्म करना है इसको, उससे क्या होगा जल्दी कलरिंग नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुक जरूर करना है। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने इस टाइप की रेसिपी आपको पहले भी दी है मैक्सिकन, उसमें मैंने बेक्ड रेसिपी दी हुई है पहले भी, अगर आपको मैक्सिकन खाने का शौक है तो आप बेशक उस रेसिपी को भी देख सकते हो। तो ये तो मैं निकाल लेती हूँ पहले, इसी तरीके से बाकी का भी फ्राई करती हूँ। तो ये मैं सब निकाल रही हूँ। अब चूंकि भेल बना रही हूँ तो इसको ऑयल का तो कोई काम नहीं, तो ऑयल मैंने अब्जॉर्ब कराने के लिए टिश्यू पर डाल रही हूँ इसको, भेल में ऑयल का कोई नहीं रोल है तो ये हट जाना चाहिए। बाकी निकाल लिए मैंने, इस प्रोसीजर से चिप्स में कहीं पर ऑयल नहीं आता, ये देखो कहीं नहीं है ना ऑयल, तो बिल्कुल हेल्दी वे में हुआ आज का। भेल के लिए सबसे पहले एक कटी प्याज, बहुत बारीक नहीं काटनी है कि चूरा सा ही हो जाए और लुगदी बन जाए खाते टाइम, ऐसा नहीं, जो नमक लगने के बाद भी खाया जाए बाइट में ऐसा। तो एक प्याज, एक हरी मिर्च, बहुत ज़्यादा हरी मिर्च नहीं चाहिए, तकरीबन हाफ कप मैं ले रही हूँ रेड कैप्सिकम कटी हुई और इतनी ही येलो, आधा कप के करीब कॉर्न, बॉयल्ड राजमा आधा कप के करीब, बीन्स मैक्सिकन खाने की जान, हाफ टी स्पून सॉल्ट का राजमा, इसमें आपके बॉयल्ड है नमक के साथ, बाकी सब चीज के लिए आपको नमक चाहिए, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ओरिगेनो, मिक्स हर्ब है तो वो भी डाल सकते हो, मैं ओरिगेनो से काम कर रही हूँ, जस्ट मिक्स, हल्के से मिक्स कर लिया, ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हो, मैंने ग्रीन कैप्सिकम नहीं लिया है, अब डाल रही हूँ इसमें टोमेटो केचप, टोमेटो केचप मैंने प्लेन ली है, गार्लिक वाली लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, तो मैंने ले लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मिला रही हूँ टोमेटो प्यूरी, 1/2 टीस्पून ले रही हूँ मैं कैप्सिका सॉस, कैप्सिका जरा स्पाइसी होती है तो उसको अपने हिसाब से डाल सकते हो, ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, रेड डालना चाहो रेड डालो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची कर सकते हो आगे पीछे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब देखो इसमें से अगर मैंने चिप्स ले रही हूँ ना, ऐसे भी सर्व कर सकते हो, ऐसे कर लिया और उसके ऊपर डाला थोड़ा सा, तो दो पैटर्न, पहले मैंने एक पैटर्न बताया था आपको कैसी डिप के साथ खा लो, दूसरा पैटर्न ये रहा कि इसके पैसे सर्व करो, ऊपर से सेव डाला, ऐसे भी सर्व हो सकता है, अलग अलग है ना, अलग अलग सर्विंग बनेगी इसकी। अब मैं बना रही हूँ मिक्स, इसका मतलब भेल, तो भेल बनाए, ये बिल्कुल जैसे भेल मिक्स हो गई, ऊपर सेव डालते हैं और ये हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा इस पे धनिया डाल देती हूँ, ये हो गया तैयार। धनिया तो मैं डाल रही हूँ, आप चाहो तो कोरिएंडर किसी और टाइप का, जैसे पार्सले और कलियंतर आते हैं तो उस टाइप का भी डाल सकते हो, हम हिंदुस्तानी तो धनिया रखते हैं तो धनिया डालेंगे। तो ऊपर से निचोड़ा एक नींबू, डाला धनिया, ऐसी बनती है ना हमारी सब चाट, तो ये भी हो गई कंप्लीट। सर्व हो गई हमारी भेल, पूरा फूड, मॉर्निंग का, इवनिंग का, डिनर का कंप्लीट।